अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मेरे साथ आज एक ऐसी बहिम्मत खातून मौजूद हैं जिन्होंने माशरे की तमाम उन बातों को गलत साबित कर दिया कि जो लोग कहते हैं औरत कमज़ोर है, औरत सिर्फ किचन की हद तक महदूद है, बाहर का काम औरत नहीं करती। इन्होंने अपनी सलाहियतों से अपने आप को अंटी बर्ड, कराची में अंटी बर्ड के नाम से मशहूर कर लिया है। अपने खावंद की वफ़ात के बाद इन्होंने अपने बच्चों की ना सिर्फ परवरिश की बल्कि उनको आला तालीम भी दिलाई। कुछ बात करते हैं, आंटी बर्ड मेरे साथ मौजूद हैं, आंटी बर्ड से इनकी जो अभी तक की सफ़र है उसके बारे में बात करते हैं। आंटी मुझे बताइए आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा, और जब आपने ये काम शुरू किया तो जाहिर सी बात है आपने माशरे की वो सारी बातें सुनी होंगी जो हमारे माशरे में एक औरत को लेकर की जाती हैं। मेरा तो यही कहना है कि हिम्मत ना हारें और औरतें बाहर काम ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें भी बात काम नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ी हिम्मत औरतों के अंदर आनी चाहिए। वो असल में माहौल या बाहर आदमियों की वजह से डर जाती है। मैं कहती हूँ कि जब तक औरत के अंदर इतना पावर होगा तो मर्द की मजा नहीं जो औरत को टच कर दें। इस तरीके से जो है ना माशाल्लाह काम अपना करना चाहिए, कोई भी काम हो। आंटी मुझे थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। आपने अपने खावन के वफ़ात के बाद शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? लियाकताबाद में मार्केट लगती है, वहाँ से शुरू करके आपने पूरी दुकान अपनी माशाल्लाह बना ली, तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में मुझे बताएं। पहले तो ये तकरीबन 4.5 साल हो गई है मैं परिंदों के फील्ड में आई हूँ। उसकी वजूहत ये थी कि शोर का इंतकाल हो गया था, तो आपको पता है कि रिश्तेदार या कोई भी हो, अगर हम किसी से क्यों मदद मांगे, बहरहाल करने पे तो लोग करेंगे, मना तो नहीं करेंगे, मगर आखिरकार तब तक उनके भी मतलब बीवी बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। बहरहाल हम जो है ना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और छोटे परिंदों से मैंने काम अपना शुरू किया। लालू के 10 नंबर सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ही मैं बैठती थी, माशाल्लाह आज भी मेरा टिया वहाँ है, मैं वहाँ से भी काम करती हूँ। माशाल्लाह आपने दुकान तो देखती होगी मेरी, माशाल्लाह दुकान को मैंने वक्त के साथ मैंने अपनी दुकान भी बनाई, एक ठिया भी बनाया और पूरी हिम्मत जज्बे और जोश से मैंने माशाल्लाह ये काम को अंजाम दिया और आगे भी माशाल्लाह करती आऊँगी, मरते दम तक करूँगी, क्योंकि अपने बच्चों की परवरिश मुझे इसी में नज़र आ रही थी। क्योंकि कारोबार वगैरह जो है ना सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि एक ही हुनर मेरे पास अभी फ़िलहाल था तो उसको मैंने आजमाया और माशाल्लाह कामयाब हूँ। अच्छा आंटी मुझे अभी तक का सफ़र बताइए, क्योंकि आपने 4-5 साल पहले ये शुरू किया, आपने इसी कारोबार से माशाल्लाह अपने बच्चों की तालीम भी करी, उनकी शादियां भी की, तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। परेशानियां तो काफ़ी आई सफ़र में, मगर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अमाउंट भी माशाल्लाह, अगर अमाउंट थोड़ा लगाया तो प्रॉफिट अच्छा आने लगा, प्रॉफिट आया तो मुझे थोड़ा परेशानियों का सामना होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तालीम का भी इशू हो रहा था कि भाई किस तरीके से करेंगे, तो ये कि लालू खेत से काम करना मैंने शुरू किया, इब्तिदा वहाँ से हुई और फिर लोगों का जो है ना माशाल्लाह रुझान और भरोसा मेरे ऊपर बनता गया कि भाई आंटी जो है ना चीज़ अच्छी देंगी। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश थी कि यार अगर हम मैं औरत एक होकर मजबूर होकर निकली तो मैं खुद अपने अपनी बहनों को ये रास्ता दिखाऊँ कि देखें हिम्मत ना रहें, आप भी जो है इस तरीके से बर्थ कर ही दें और घर में एक जोड़ा रखें, उससे माशाल्लाह 4 बेबी निकल आएंगे, तो बैठे बैठे आपका भी जो है काम बन जाएगा। तो काफ़ी औरतों ने माशाल्लाह मेरे से गाइडलाइन भी ली और इनके हवाले से घर पे काफ़ी अच्छा सेटअप बन गया इन लोगों का। अच्छा आंटी कुछ तलख बातों की बात करता हूँ, जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है हमारे माशरे में औरत को मर्द के बराबर आने से अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, तो आप मुझे बताएं कि सफ़र में कुछ तल्ख बातें भी हुई आपके साथ? काफ़ी सख्त हुई, यकीन करें बच्चों के हवाले से काफ़ी हुआ कि भाई आप एक औरत हो के ख़ानदान वालों ने बाला के आप इतना भी चीज़ करें, ये मुनासिब नहीं है करना, आप घर पे बैठ के काम करें, आप इतने लोगों के बीच में जा रही हैं और आप देखें कभी हम आपको लालू खेत में देख रहे हैं, कभी आप एंट्रेंस मार्केट कहीं, क्योंकि काम है ना तो बाहर जाना होता है और एक दिन भी मैं घर पर नहीं रही हूँ। यकीन करेंगे जब से मैंने ये जॉब शुरू की है बहरहाल इस काम में मैंने अपने आप को पूरा डाला है, तो घर में भी टाइम नहीं दे पाती थी, रिश्तेदारों की शादियों का भी होता था वहाँ भी मैं नहीं जा पाती थी और काफ़ी मसले मसाइल हुए भाइयों ने सब ने कहा कि हमें ये काम समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेंगे, थोड़ी नाराज़गी का इन्होंने इजहार भी किया। फिर रिश्तेदारों में से भी मसला हुआ, बेटी के ससुराल वाला आपको पता है, फिर उसके बाद जो है जब देखा कि इन्होंने हकीकत है कि कोई इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, सिर्फ ये बातें ही हैं चाहे कड़वी हों कोई भी हों, बच्चों के हवाले से कि भाई अपना रिश्ते के हवाले से भी हो,
तो कहते भाई माँ तो है, काम परिंदों का कर रही है और हमें नहीं समझ में आ रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहरहाल ये सबसे मैं गुजर चुकी हूँ अपना, और वर्कर को भी यकीन करें, जब हम दुकान पे होते हैं तो हर तरीके की डील करनी पड़ती है और इतने कस्टमर ऐसे आते हैं कि सामने बोल के भी चले जाते हैं, फिर भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जब आ जाते हैं मैदान में तो हर किस्म का जो है ना वो हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हिम्मत ना आ रहे ना तो इंशाल्लाह ये काम चलता है। कोई भी किसी हवाले से हो, अगर कोई ख़ानदान से बोल रहा है या कोई फैमिली के हवाले से कोई बोल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये कि मेरा कहना है कि हिम्मत ना आ। अच्छा आंटी मुझे बताएं, अभी वुमेंस डे आ रहा है आगे, आप औरतों को कोई एक मैसेज देना चाहें, आप एक ज़िंदा मिसाल हैं उन औरतों के लिए कि जो हिम्मत हार जाती हैं, जो सिर्फ ऐसे कहती हैं कि हम काम करेंगे लेकिन माशरे की सख्ती की वजह से वो नहीं कर पाती, तो आप एक मिसाल हैं, आप उनके लिए कोई एक मैसेज दें। देखो घर में बैठी जो औरतें हैं, अगर वो बाहर बिजनेस करना चाहती हैं तो कोई इशू नहीं। मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि देखें, अगर औरत की इजाज़त ना हो तो मर्द टच नहीं करना। जहाँ तक ये है कि अगर और कोई इसको माशरे में कोई गलत कहता है तो उनको साबित करके दिखाएं कि हम गलत नहीं हैं। अगर आदमी भी जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते, तो औरतें क्यों नहीं कर सकती। अब मसला आपने देखा होगा कराची के अंदर औरतें बाइक भी चला रही हैं, बैंक के अंदर भी हैं औरतें, हर जगह पर माशाल्लाह औरतें बढ़ गई हैं। और अब तो मर्दों को भी मजबूर हो गया कहने पे कि मर्द कहते हैं कि पहले लेडीज़ फर्स्ट ये तो बात हकीकत ही है, मर्द भी हार मान गए औरतों के हिसाब से। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी काम हो अगर मेहनत वाला हो, जद्दोजहद वाला, तो गलत नहीं है। माशाल्लाह कहता है तो कहने दें, आखिर कह के आखिरकार थक जाएगा। और यकीन करो जब आने लगता है ना जब, तो फिर उनको भी अच्छा लगने लगता है। जो गलत कह रहा होता है ना, फिर वो भी यही कहता है कि नहीं यार हमने ये गलत कहा था, कि आज वो साबित कदम उन्होंने रख के दिखा दिया। अच्छा आंटी, हमने सारी औरतों की बात कर ली, हमने सारी सख्ती की बात कर ली, हम मुझे अपने तोतों की बात बताएं और अपने परिंदों की बात बताएं कि जो यहाँ आपके पास परिंदे हैं, इनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, पाकिस्तान में पाई जाती हैं, सारी बाहर की हैं, पहले इधर से बताएं मुझे। माशाल्लाह हमारे यहाँ तो पहले तो बाहर में, हमारे पाकिस्तान वाले को उनको पता नहीं होता था, पहले बाहर में काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटियाँ, जैसे देखा जाए लवबर्ड हो, अपना वो लोरियाँ हो गई, चैटरिंग लोरी हो गई, मकाओ, काकाटू, अफ्रीकन गिरे, सब बाहर से पाए जाते थे। और ये हकीकत है कि बाहर से ही आते थे, यहाँ की कोई पैदावार नहीं होती थी। और आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे इतनी तरक्की हो गई है कि आप कहीं भी फार्मर के वहाँ चले जाएं तो इंपोर्ट वाले दाने इतने लगे हुए हैं जिसकी इंतजार नहीं, और लोकल बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, इनकी माँ बाप हमने बाहर से लाए हैं और ये अभी इनके बच्चे यहाँ हैं और फिर इनके बच्चों से हम बच्चे करवाते हैं। और माशाल्लाह के अब हर तरीके का परिंदा हमारे कराची में मौजूद है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ कराची में पाए जाएंगे, मगर माशाल्लाह पाकिस्तान कराची वालों ने इतनी हिम्मत की है कि ये अब बेबी हमारे कराची में, हम खुद भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में ऐसे कलरफुल बर्ड्स हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आवाम का रुझान बताएं कि आवाम को परिंदों में कराची में खास तौर पे इंटरेस्ट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, परिंदे मर रहे हैं कराची से, जो पहले हम रोडों पे परिंदे देखते थे, तोते घूम रहे हैं मुख्तलिफ इकसाम के, अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं कराची में, तो आवाम का मुझे रुझान बताएं, आवाम आती है इसमें? माशाल्लाह काफ़ी, और लेडीज़ तो काफ़ी आती हैं, जेंट्स तो जेंट्स, लेडीज़ और बच्चे माशाल्लाह इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। मैं खुद परेशान कि छोटा छोटा बच्चा जो है ना मेरे शॉप पे मांगने आता है कि आंटी एक हरे का तोते का बच्चा हो तो दें, हम ये जोड़ी बना के हम इससे ब्रीड करवाएंगे। तो माशाल्लाह बच्चे और वो जेंट्स भी, बेगम के उस समय कभी आती हैं, यार हमारी बेगम ने बड़ा तंग किया हुआ है, 15,000 के जो है ना वो तोते के बच्चे चाहिए, आंटी ये क्या आपने चैनल खोल के रखा हुआ है कि वो हमारी तनख्वाहें जो है ना ये बच्चों में जा रही हैं, अभी क्या करें। तो मैंने कहा इनका ख़वातीन का शौक है माशाल्लाह, यही घर में बैठ के जो है ना आपको यही ऐसा दिन होगा कि यही इसी बच्चों से प्रॉफिट आपको कमा के देंगी, फिर आपकी यही पे भी गर्म होंगी तो फिर आप बोलोगे यार आंटी ने अच्छा रास्ता बताया। अच्छा आंटी मुझे ये बताएं, आप आंटी बर्ड के नाम से कराची में मशहूर हो गई हैं माशाल्लाह, तो आपके पास किस कितने कितने परिंदे हैं, मतलब कौन कौन से इकसाम के परिंदे हैं, और दूसरी बात ये कि कीमतें भी थोड़ी सी बताएं मुझे, ताकि आवाम अगर आपसे लेना आना चाहे तो पहले से ही सोच के आ जाए कि आंटी के पास सबसे कम इतने का है, सबसे ज़्यादा इतने का। कम से कम भी बेबी जो है ना मेरा बच्चों के, अभी तो बच्चों का सीज़न है, बच्चों के हवाले से बात करूँगी, कम से कम बेबी जो है ना हरे का बच्चा जो है 5,000 रुपये का हरा बेबी कम से कम भी हमारे यहाँ रेडी होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है कम अपना ये ग्रीन रिंग मकाओ, ब्लू एंड गोल्ड, इनके रेट होते हैं 2.5 लाख रुपये, 2.25 लाख, 3 लाख, 7 लाख का भी एक बच्चा है, 7 लाख का भी। और शौकीन ऐसे हैं कि हकीकत में हमारे यहाँ बाजारों में भी आते हैं लोग लेने के लिए, सिंधी वडेरे भी आते हैं, कहते हैं कि नहीं यार आंटी ये भले 7 लाख का है, हमें 2 लाख ये अपने 2 बच्चे करवा दें।
तो माशाल्लाह शौकीन ऐसे भी हमारे कराची में, तो लेके खुशी खुशी जाते हैं और फिर बड़ा करके हमें बोलते हैं कि हमारा शौक पूरा हो गया भाई, कुछ पैसे काट के हमसे ये ले लेते, हम रिटर्न भी ले लेते हैं। सही आंटी, हमने सारी बातें की। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ये नाम पड़ गया है आंटी बर्ड के नाम से, आपकी शॉप भी इसी नाम से आंटी बर्ड के नाम से, ये आपको कैसा लगता है अब, क्योंकि ये एक अचीवमेंट है, तो अब आपको कैसा लगता है? ये शुरू शुरू में जब मैंने अपना नाम रखा था ना आंटी बर्ड्स, तो बूढ़े या जवान बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो, वो सब कहते थे आंटी आंटी ना, कहते थे हमें अच्छा नहीं लगता यार आपको आंटी कहना, क्योंकि मैं तो खुद आपकी बाप की जगह पे मैं आपको आंटी कहूँ। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होती है, हालांकि लेडीज़ को जो है ना काफ़ी चिड़ होती है। हमारे एक एक किस्सा सुना, हमारे एक दाना लेने आई थी ना औरत, तो हालांकि मेरे से भी बड़ी उम्र की थी, मैंने इनको एहतराम दिया, मैंने कहा अम्मा आपको कितने का दाना, अम्मा ने कहा 15 रही हो, मैंने कहा यार मैंने कहा माजरा, मैंने कहा बाजी आपको कितने का, तो फूले फूले से समा ही नहीं, तो मैं तो बारह आंटी में अपना खुद मैंने एक नाम लिखा है चॉइस करके आंटी बर्ड्स, कोई भी देखे तो मुझे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे, मैं सबके लिए आंटी बर्ड्स हूँ और बेटी हूँ और बहन हूँ। जी तो हमारे साथ मौजूद थी आंटी बर्ड, कराची की आंटी बर्ड, मशहूर है इनकी दुकान अबू रसन अस्पानी रोड पे भी है, घर से भी काम करती हैं और लियाकताबाद में भी है। शुरू से आंटी, शुरू से भी आप लियाकताबाद में? तकरीबन मेरा ठिकाना जो है ना और मेरी पहचान ही लालू के 10 नंबर से हुई है, और ये मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, हर इतवार में उधर ही आपको मौजूद मिलूंगी, चाहे शॉप पर हूँ या ना हूँ, इतवार को 11 से लेके तकरीबन 10 तक मैं होती हूँ सिंध गवर्नमेंट स्कूल के हॉस्पिटल के साथ ही झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे मैं बैठती हूँ, वो मेरा टीआ है। हर इतवार मैं आपको वहीं मिलूँगी, जिसको भी शौक हो या किसी चीज़ का कारोबार के हवाले से पूछना हो, और मज़ीद तो मैं लेडीज़ों को खास करके कहूँगी कि ये कोई भी गाइडलाइन लेनी हो तो मुझसे ले सकते हैं। आंटी से उन औरतों को, उन लड़कियों को सीखने की ज़रूरत है कि जो कि ये कहती हैं कि हम लोगों की बातें सुन के कोई काम नहीं कर सकते, हमें माशरा काम करने की इजाज़त नहीं देता, ये आंटी जिंदा मिसाल हैं कि जिन्होंने लियाकताबाद से लालू खेत से शुरू किया अपना काम और माशाल्लाह देखते ही देखते आंटी बर्ड के नाम से कराची में मशहूर हो गई हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।